हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कुछ और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो जनरली दो तरह के फैक्टर्स हैं, दो मेन फैक्टर्स हैं। एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन से पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने देखा था, इन्फ्लेशन मतलब टाइम के साथ चीज़ों के प्राइजेस बढ़ जाते हैं, उसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो कौन कौन सा टाइप के दो है, मतलब दो कारण है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। पहला डिमांड पुल और दूसरा कॉस्ट पुश। डिमांड पुल का क्या मतलब है, इट इज राइज इन प्राइस कॉस्ड बाय इंक्रीज डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपने देखा होगा दुकानदार आप गए, आप दुकान में गए, दुकानदार के पास आपने देखा एक ही प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट एक है, उसका नाम है मान लीजिए पी। अब दो तीन तीन चार कस्टमर, उन सभी को प्रोडक्ट चाहिए, क्या होगा, सभी को चाहिए। अब डिमांड उसकी ज़्यादा है नहीं, सॉरी सप्लाई उसकी ज़्यादा है नहीं, पर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ रही है। तो वो दुकानदार क्या करेगा, उसकी कीमत मान लीजिए 100 रुपये थी तो उसको बढ़ा देगा। कौन बढ़ा देगा, दुकानदार। तो वो जो 100 का प्रोडक्ट है, क्योंकि चार लोग उस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो 100 के बदले 120 कर देगा। कई बार आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो फ्लिपकार्ट में भी आपने देखा होगा कि कोई प्रोडक्ट दिखाता है ना, तीन बचे हैं, दो बचे हैं, तो जैसे ही दो या एक दिखता है तो आपको दिखता है कि वो प्राइस खुद ही बढ़ा देता है। तो वो सॉफ्टवेयर में ऐसा किया हुआ है कि अगर दो तीन प्रोडक्ट रह जाए और बहुत जनता उसको देख रही है तो उसको प्राइस प्रोडक्ट का रेट बढ़ा दिया जाए। रेट इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि उसको मालूम है दुकानदार को कि इसका मैं रेट बढ़ा दूंगा, फिर भी तीन चार लोग हैं तो डेफिनेटली वो उसको खरीद लेंगे। तो इसी वजह से वो लोग ऐसा करते हैं। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। तो वही होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इट इज राइज इन जनरल प्राइस कॉज बाय इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है जिसकी वजह से उसका रेट भी बढ़ रहा है, तो इसी की वजह से इन्फ्लेशन आती है। तो उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा टाइप का आपका इन्फ्लेशन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इट इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कॉज बाय सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्टेंट। तो कई बार क्या आता है कि जो कंपनी है फैक्ट्री, उसमें मान लीजिए सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कंपनी बनाती है पेन, ठीक है। अब पेन बनाने के लिए रबड़ चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, और मान लीजिए इंडिया में ज़्यादा रबड़ प्लास्टिक है नहीं और वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या हुआ, इंडिया में ज़्यादा प्रोडक्शन बननी कम हो गई तो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा। तो इंपोर्ट करने की वजह से क्या हो रहा है कि बाहर की कंट्री ने इंपोर्ट जो है, हमारी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी या बाहर की कंट्री ने भी हमें टैक्स लगाया, तो जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट कॉस्ट महंगी आई। और इंपोर्ट कॉस्ट में महंगी आई यानी हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही महंगा हो गया, और इसकी वजह से हमें पेन का प्राइस बढ़ाना पड़ा। पहले मान लीजिए एक पेन आप 10 का बेचते, तब आपने 12 या 13 रुपये कर दिए, तो आपने रेट क्यों बढ़ाया, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट, आपकी खुद की जो कॉस्ट है वो आपको महंगी आई है। तो हर कोई जो भी आपकी कॉस्ट आती है उसी में अपना 2-3 रुपये मार्जिन जोड़ गई जो है फाइनल रेट डिसाइड करता है। अगर आपको खुद ही महंगा आएगा तो आपको महंगा करना पड़ेगा, तो वही आपका कॉस्ट पुश है। तो ये इन्फ्लेशन किस वजह से होता है, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल्स भी हो सकता है, लेबर की कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा जब महंगाई बढ़ रही है तो लेबर, उन सब की कीमत भी बढ़ेगी। पहले अगर आपको घर बनाना था तो आपको 300 के या 400 के लेबर मिल जाते थे, लेकिन अभी उनका रेट 800 रुपये हो गया। पहले जो मिस्त्री थे वो आपको 500-600 तक में मिल जाते थे, अब उनका रेट 1000 से 1200 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, चीज़ों की जो कीमतें बढ़ती जा रही है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी कीमत बढ़ गई, इसकी वजह से आपको फाइनल प्राइस बढ़ाना पड़ा, उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश। तो डिफरेंस समझ गए, डिमांड में जो है डिमांड ज़्यादा हो रही है इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गया, और ये कॉस्ट पुश में क्या है, जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो लागत है हमारी, वो लागत ही बढ़ गई इसलिए हमें कीमत बढ़ानी पड़ी। तो वो होता है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर का पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स दिया है मई 2022 में 183.40 और मई 2021 में 176.20। तो 21 में ये डेटा दिया और 2022 में ये डेटा दिया, द इन्फ्लेशन रेट। अब आपको इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करना है, तो इन्फ्लेशन रेट का सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यू रेट माइनस ओल्ड रेट डिवाइडेड बाय ओल्ड रेट इंटू 100। न्यू रेट मतलब फ्यूचर का रेट कितना है, न्यू रेट 2022 का न्यू रेट है तो वो है 183.40। पहले कितना था, वो था 176.20 डिवाइडेड बाई ओल्ड रेट 176.20 इंटू में 100। सिंपल यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, 180 माइनस दिस। तो कुछ नहीं करना, हमें 183.40 में से 176.20 को माइनस करना होगा। कैलकुलेटर ले लिया, वैल्यूज पुट करने शुरू करते हैं, 183.40 माइनस 176.20 कितना मिला, 7.2। अब 7.2 को हमें 176.20 से डिवाइड करना होगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। चलिए करते हैं, डिवाइड बाय 176.20 ये वैल्यू आई है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है, 4.08। यहाँ देखिए कितना है, 4.086 था, तो आप 4.0 या 4.09 बोल सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 4.09। तो ये आपका क्या आ गया, इन्फ्लेशन का परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो कितना इन्फ्लेशन राइज हुआ आपका, 4.09% आपका इन्फ्लेशन राइज इसमें हुआ। ये क्वेश्चन समझ गए, न्यू रेट माइनस ओल्ड रेट डिवाइडेड बाई ओल्ड रेट इंटू 100, इस तरह से हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
बाय द हाउस होल्ड। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हाउस होल्ड के हिसाब से जो है गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को चेक करता है। ऐसे एक होता है होलसेलर प्राइस इंडेक्स, तो वो आपका होलसेल लेवल पे देखता है, यानी कंज्यूमर लेवल पे आप हम जो कंज्यूमर है जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, हमारे लेवल पे जो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, जो इंडेक्स हमें हमारे लेवल पे प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बताता है कि हमारे लेवल पे कितना प्राइस बढ़ा है। बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो एक बास्केट है जिसमें गुड्स और सर्विसेज है, मतलब ये जस्ट एक वर्ड इस्तेमाल किया गया कि कुछ गुड्स और सर्विसेज जो हमारे पास है उसके प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं कंज्यूमर लेवल पे, यानी कंज्यूमर को कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ने पे, हाउस होल्ड लेवल पे कितना प्राइस चेंज देखने को मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये प्राइसेस को रिटेल लेवल पे, रिटेल मतलब आम जनता हमारे कंज्यूमर के लेवल पे जो है मेजर करता है। और देखा जाए तो ये ज्यादा रिलेवेंट है, ये सही इन्फॉर्मेशन है कंज्यूमर्स के लिए, क्यों? क्योंकि कई बार होलसेलर तो सस्ते रेट पे बेच रहा है मान लीजिए, लेकिन होलसेलर जिसको बेच रहा है दुकानदार को वो थोड़ा रेट महंगा कर रहा है, तो जो आम जनता का किस रेट पे पहुंच रहा है कंज्यूमर पे, वही एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन है कि एग्जैक्टली जो है कितना इन्फ्लेशन है। तो जो आम जनता उनको किस रेट पे मिल रहा है, कंज्यूमर को किस रेट पे मिल रहा है, क्या प्राइस उनको दिया जा रहा है, तो उस रेट पे जो है इन्फ्लेशन का मेजरमेंट करना कि हाँ इतना इन्फ्लेशन इतना महंगाई बढ़ा है, तो वो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका डेटा कौन रिलीज करता है? आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ऑफिस NSO। तो ये हर हर महीने इन्फॉर्मेशन CPI पे बताती है कि कितना परसेंट कितना रेट जो है इन्फ्लेशन का बढ़ा है कंज्यूमर के लेवल पे। ऐसे एक आपका नेक्स्ट आ गया होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये होलसेल लेवल पे, अभी होलसेलर कौन होते हैं आपने देखा होगा ना, कोई कंपनी क्या कर रही है, कोई फैक्ट्री बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है और होलसेलर को बेच रही है, और फिर वो होलसेलर दुकान में रिटेलर को बेच रहा है और फिर वहां से हम लोग खरीद रहे हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो प्राइस आपके गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ते हैं होलसेल लेवल पे, तो होलसेल लेवल पे मेजरमेंट करता है। इट रिफ्लेक्ट द चेंज इन प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एट होलसेल लेवल, मतलब होलसेलर को क्या रेट पड़ रहा है उस लेवल पे ही मेजर करता है। WPI फोकस ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स ट्रेड बिटवीन कॉर्पोरेशन एट द होलसेल स्टेज रेदर देन गुड्स बॉट। तो ये कंज्यूमर पे नहीं कर रहा, क्योंकि होलसेल पे मान लीजिए सस्ता है लेकिन कंज्यूमर तो वो महंगा पड़ गया, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो कंज्यूमर लेवल पे ही करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि कंज्यूमर को किस रेट पे मिल रहा है ये तो होलसेलर तो वो अपने इस्तेमाल के लिए नहीं यूज कर रहा, फाइनली अल्टीमेट इस्तेमाल उसे कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये सही कैलकुलेशन नहीं है, कंज्यूमर के हिसाब से जो है पॉइंट को नहीं देखता, ये सिर्फ होलसेलर पे बताता है कि होलसेलर को प्रोडक्ट कितना महंगा पड़ा, तो उसी को बोला जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये प्राइस का रेट कितना बड़ा होलसेल लेवल पे वो कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट आपका GDP डिफ्लेटर, एक नंबर का पूछ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। GDP डिफ्लेटर का सिंपल सा फॉर्मूला, एक नंबर का ये न्यूमेरिकल भी बना के पूछ सकते हैं। फॉर्मूला है हमारा नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इंटू 100, नॉमिनल GDP रियल GDP इंटू 100। तो आपको नॉमिनल और रियल GDP दिया होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा, इस फॉर्मूले को आप लोग मेमोराइज करके जाएंगे। तो GDP डिफ्लेटर क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल न्यूली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। और यानी जो भी इस साल नए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है, तो उनके प्राइस में क्या चेंजेस आया है उसी को कैलकुलेट करता है। तो GDP डिफ्लेटर क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कि प्राइजेस जो भी नए गुड्स इस साल, मतलब जो भी नए डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज है, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है, उसके प्राइजेस के लेवल को मेजर करता है कौन? GDP डिफ्लेटर। तो सिंपल है, इट मेजर्स लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स और सर्विसेज। तो जो भी गुड्स और सर्विसेज डोमेस्टिक लेवल पे प्रोड्यूस की जा रही है, जितनी भी नई गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है, तो उसके लेवल ऑफ प्राइस को मेजर करता है, उसके प्राइस को मेजर करने का काम GDP डिफ्लेटर का रहता है। और GDP डिफ्लेटर अपना डेटा क्वार्टरली बेसिस पर रिलीज करता है, और जो आपका CPI है कंज्यूमर प्राइस और होलसेल प्राइस, हर मंथ अपना डेटा रिलीज करते हैं, ठीक है? ये क्वार्टरली बेसिस पर डेटा रिलीज किया जाता है, और जितने भी नए गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो ये उसके प्राइसेस को मेजर करता है। तो ये सिर्फ न्यूली जो नए नए प्रोड्यूसर, सिर्फ उनके नए नए प्रोडक्ट है गुड और सर्विस, सिर्फ उनके प्राइस को मेजर करता है। व्हाट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या होता है? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जेम केन्स गिव अ न्यू व्यू ऑफ इंटरेस्ट। तो इन्होंने क्या बोला था, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्योरली मॉनिटरी फिनोमेना एंड इज डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर मनी एंड। सो इनका कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी कितना है, मतलब लोग कितने पैसे की डिमांड कर रहे हैं, उनको कितना पैसा मिल रहा है, तो वही आपके इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करता है। इनका कहने का यही मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मॉनिटरी फिनोमेना, यानी लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा। बैंकों में भी आपने देखेंगे कि कई बार लिक्विडिटी बढ़ जाती है, मतलब बैंकों के पास पैसा बहुत है, क्यों? क्योंकि जो आम जनता है उनके पास ही पैसा बहुत है, तो इसलिए वो सेविंग बैंक डिपॉजिट में ज्यादा ज्यादा पैसा रख रहे हैं। अब ज्यादा पैसा होने से क्या होगा कि बैंक सस्ते रेट पे इंटरेस्ट सस्ते, क्योंकि बैंक इतना पैसा रखे क्या करेगा, वो क्या करता है कि सस्ते इंटरेस्ट रेट लगा देता है, जैसे हाउसिंग लोन इन सब में, तो इंटरेस्ट रेट सस्ता हो जाता है। यानी जो इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन किया जा रहा है वो पूरा मॉनिटरी फिनोमेना, यानी वो पैसे से रिलेटेड है। अगर
डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी जो है उसी की वजह से जो है इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकों का इंटरेस्ट रेट क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि बैंकों के पास पैसा ज्यादा है। बैंकों के पास इतना पैसा कहाँ से आया, क्योंकि जो आम जनता है उनके पास पैसा ज्यादा है, वो ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहे हैं और उनको पैसा मिल भी रहा है, जैसे कहीं जॉब है कहीं पर भी, तो उनकी जो आम जनता है उनके पैसों को लेकर डिमांड अच्छी और उनकी सप्लाई भी अच्छी हो रही है। इसकी वजह से बैंक क्या करेगा, ज्यादा डिपॉजिट होने की वजह से सस्ते हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट देने शुरू कर देगा। तो वही आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वही है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। यानी लिक्विडिटी मतलब पैसा, तो लिक्विडिटी आपके इंटरेस्ट रेट को इम्पैक्ट कर रहा है, तो यही आपका लिक्विडिटी थ्योरी हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जितना ज़्यादा लिक्विडिटी होगा उतना कम इंटरेस्ट रेट होगा और वाइस वर्सा, इस तरीके से ये काम करेगा। व्हाट इज हिग्स हैंसन सिंथेसिस, जो जो आपका ISLM कर्व है, ये आपका पूछ सकते हैं एग्जाम पे, इंपॉर्टेंट है आपका। इस कर्व में क्या बातें की गई थी, सो ये आपके रिचर्ड हिक्स और एल्विन हैंसन, इन्होंने ये कर्व दिया था, और ये आपके इकोनॉमिस्ट थे, दोनों ने मिलके एक कर्व दिया था। इन्होंने क्या बोला था कि मतलब ऑलरेडी आपका IS और LM कर्व था, तो उसको कंबाइन करके, इंटरसेक्शन करके इन्होंने बताया था। तो उसके जो कर्व है, इन्होंने आपको 3 स्टेप बताए थे, ठीक है, जो IS LM कर्व मॉडल है उसमें 3 चीज़ें बताई थी। पहला इसमें बोला था कि यूजिंग क्लासिकल थ्योरी टू डराइव अ कर्व कॉल्ड IS कर्व, IS यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग, तो इन्वेस्टमेंट सेविंग को लेकर इन्होंने IS कर्व लिया। फिर LM यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई को लेके LM कर्व लिया, और इन दोनों को कंबाइन किया और ISLM कर्व का मॉडल दिया गया था हिग्स हैंसन के द्वारा। अभी ISLM क्या होता है आपका नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, ठीक है। तो इन्होंने IS कर्व लिया, LM कर्व लिया, इसको कंबाइन किया, तो 3 चीज़ों के हिसाब से इन्होंने ISLM कर्व मॉडल को बनाया था। तो ये कर्व मॉडल आप समझ के अभी ISLM क्या होता है वो देख लेते हैं। व्हाट इज ISLM कर्व इन ISLM मॉडल, तो IS कर्व गिव कॉम्बिनेशन ऑफ रियल आउटपुट GDP एंड रियल इंटरेस्ट रेट सच दैट प्लान एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन रियल आउटपुट आर इक्वल। यानी ये क्या करता है, ये जो IS कर्व है आपका, इट गिव कॉम्बिनेशन ऑफ रियल आउटपुट, आपका जो GDP है वो, और जो आपका रियल इंटरेस्ट रेट है, उन दोनों को कंबाइन करता है कौन, IS कर्व। IS कर्व का फुल फॉर्म क्या है आपका, इसका फुल फॉर्म है हमारा इन्वेस्टमेंट सेविंग, ठीक है, ये है हमारा इन्वेस्टमेंट सेविंग। तो इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व क्या बताता है, ये कॉम्बिनेशन है रियल आउटपुट GDP का और रियल इंटरेस्ट रेट का। और आपका जो LM कर्व है दूसरे वाला, LM का फुल फॉर्म क्या है, LM का फुल फॉर्म है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, L से हो गया लिक्विडिटी प्रेफरेंस, M से हो गया आपका मनी सप्लाई। तो सेकेंड कर्व जो है वो क्या बताता है, LM कर्व गिव कॉम्बिनेशन ऑफ रियल आउटपुट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल आउटपुट, ठीक है, ये यहाँ भी आपका रियल आउटपुट था, ये भी रियल आउटपुट, और जो है इंटरेस्ट रेट, ये रियल इंटरेस्ट रेट लेता है, लेकिन ये जो आपका LM है ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट लेता है, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि IS आपका रियल आउटपुट GDP और रियल इंटरेस्ट रेट को लेके कंसिडर करता है, और LM का रियल आपका आउटपुट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को लेके जो है कैलकुलेट करता है। वट आर टू वेरिएबल्स, जो आपका IS कर्व और LM कर्व है उसमें कौन कौन से दो वेरिएबल को इस्तेमाल किया गया, एक आपका इनकम और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, इनकम लोगों की कितनी हो रही है और इंटरेस्ट रेट कितना है। जहाँ पे भी इंटरसेक्शन कर जाएंगे दोनों कर्व तो उसको इक्विलिब्रियम बोला जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका IS कर्व LM यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गए, तो इस पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट बोला जाएगा। तो दो वेरिएबल है, एक है इनकम और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ भी आप देख लीजिए रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, तो एक तो इंटरेस्ट रेट हो ही गया, और GDP क्या बता रहा है, रियल आउटपुट और GDP हमें बता रहा है कितनी इनकम हो रही है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो इनकम और इंटरेस्ट रेट दो फैक्टर्स को ये कंसिडर करके जो है कर्व बनाया जाता है, और जहाँ पे भी ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे भी IS और LM इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट आर 4 टाइप्स ऑफ इनकम, 4 टाइप की इनकम क्या होती है, तो एक तो आपका इंटरेस्ट हो गया एक टाइप की, बाकी का हो गया रेंट, वेजेस और प्रॉफिट, ठीक है। 4 टाइप की इनकम क्या है, इंटरेस्ट इज वन ऑफ द 4 टाइप ऑफ इनकम, तो जो 4 टाइप की इनकम है उसमें से एक इंटरेस्ट इनकम है। बैंकों की जो इनकम होती है इंटरेस्ट की फॉर्म में होती है, तो उनके लिए ये इनकम का एक जरिया हो गया। ऐसे रेंट, आप रेंट आपने लगा रखा है, आपको वेजेस मिल रहा है, आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा है, कहीं पर भी आपने पैसा लगाया प्रॉफिट हो गया, तो ये 4 हमारे टाइप की इनकम हो गई। और तो इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करते हैं, पहला पेमेंट फॉर रिस्क इन्वॉल्व इन मेकिंग ए लोन, तो आप इंटरेस्ट कैसे चार्ज करते हैं, बैंक कोई लोन दे रहा है तो उसमें रिस्क है तो उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो। पेमेंट फॉर ट्रबल इन्वॉल्व, तो जनरली जिस जिस लोन का सिबिल अच्छा नहीं होगा, ज़्यादा रिस्की होगा, तो उसका इंटरेस्ट रेट बैंक हाई कर देगा। प्योर इंटरेस्ट दैट इज पेमेंट फॉर यूज ऑफ मनी, एक तो प्योर इंटरेस्ट है मतलब जितना इंटरेस्ट हर किसी को देना ही पड़ेगा, कहीं पर ज़्यादा ट्रबल है तो बैंक थोड़ा सा ज़्यादा उसमें 1% जोड़ देगा, कहीं पर ज़्यादा रिस्की है तो वहाँ भी 1% जोड़ देगा। यानी इंटरेस्ट को ये 3 फैक्टर्स जो है डिटरमाइन करते हैं। 4 टाइप की इनकम, एक इंटरेस्ट है, दूसरा रेंट, वेजेस और प्रॉफिट आपका हो गया।
मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? तो हमने बोला था ना, एट ए होल आपका जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस इंडेक्सेस, ये सब कुछ हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा डी। मैक्रो से आपका जीडीपी भी देखा जाएगा, गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती है इकोनॉमी में एट ए गिवन टाइम इंटरवल, वो हमारा जीडीपी होता है। ऐसे प्राइस इंडेक्स, अभी प्राइस इंडेक्स कितने टाइप का होता है वो भी हम देखेंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये तीन फैक्टर्स आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ डील करते हैं। प्राइस इंडेक्स में आपका जगह होलसेल प्राइस और कंज्यूमर प्राइस और जीडीपी डिफ्लेटर, ये तीन आपके प्राइस इंडेक्सेस होते हैं। हु इज कंसिडर्ड फाउंडर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन है आपके? एडम स्मिथ। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एडम स्मिथ इज फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मैक्रो जो माइक्रो है वो किसके साथ डील करता है? इंडिविजुअल हाउस होल्ड के साथ डील करता है। तो बी हो जाएगा इंडिविजुअल एंटिटीज। एंड्स, एंड्स का मतलब क्या है? वॉन्ट्स, ठीक है। मीन्स एंड एंड्स हमने देखा था ना, मीन्स एंड एंड्स, तो एंड्स आपका वॉन्ट्स होता है। मीन्स कौन सा आप रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो अपनी वॉन्ट्स, अपने एंड्स यानी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, कौन सा आप रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? मार्केट नाम से सुनिए, सुन लीजिए, प्राइवेट, याद रखने का तरीका है, प्राइवेट, प्राइवेट मार्केट, ऐसे याद रखिए, प्राइवेट मार्केट। तो मार्केट इकोनॉमी जहाँ पे सारा कंट्रोल प्राइवेट का ही होता है, बड़े बड़े डिसीजन सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स ही लेते हैं। तो ए आपका आंसर इसमें हो जाएगा। इंडिया कैसी है? इंडिया मिक्स है, यहाँ पे प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मिलके काम करती है, तो इसको बोला जाएगा मिक्स इकोनॉमी। लेसे फेयर इकोनॉमी जो है, मार्केट इकोनॉमी के केस को लेसे फेयर इकोनॉमी बोला जाता है। तो एक्सट्रीम केस ऑफ अ लेसे मार्केट इकोनॉमी इज कॉल्ड लेसे फेयर इकोनॉमी। ए इसका आंसर इसमें हो जाएगा, लेस। मार्केट इकोनॉमी को एक और नाम से जानते हैं, वो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। मार्केट का ही दूसरा नाम है कैपिटल, जैसे आप ऐसे याद रखिए कैपिटल मार्केट, जस्ट याद रखने के लिए। तो मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। डिमांड शेड्यूल, चाहे आपका डिमांड शेड्यूल हो या फिर सप्लाई शेड्यूल हो, सप्लाई कर्व और डिमांड, तो दोनों ही जो है प्राइस के रिगार्डिंग होते हैं, ठीक है। तो प्राइस कितना है और कितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं, कितनी आप डिमांड कर रहे हैं, तो उनके बीच का रिलेशनशिप बताता है, कितनी आप, कितना आपका प्राइस है और कितनी क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड कर्व में वही रहेगा। ऐसे सप्लाई कर्व होता है तो कितनी सप्लाई आ रही है और कितना प्राइस है, चाहे आपका डिमांड शेड्यूल हो, डिमांड कर्व हो या सप्लाई हो, दोनों ही प्राइस के रिगार्डिंग होते हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप बताते हैं डिमांड और प्राइस के बीच में, और सप्लाई शेड्यूल बताता है कितना सप्लाई और कितनी डिमांड हो रही है। तो वही आपका हो जाएगा, कितना प्राइस और कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है, कितनी डिमांड की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस इंडेक्सेस ये आपका आ गया, तीन टाइप का, होलसेल, कंज्यूमर और जीडीपी डिफ्लेटर। तीनों हमारे क्वेश्चन देखे थे ना, होलसेल लेवल पे देखता है, कंज्यूमर लेवल पे चेक करता है कि प्राइसेस किस हिसाब से चेंज हो रहा है, जीडीपी जो है न्यूली प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज जो बनाई जा रही है उसको ये चेक करता है। ये रिपोर्ट क्वार्टरली बेसिस पे डाली जाती है या हर महीने रिपोर्ट डाली जाती है सीएसओ के द्वारा? ये मंथली और ये क्वार्टरली रिपोर्ट होती है। व्हाट आर जनरल थ्योरी केन्स डिस्टिंग्विश बिटवीन द थ्री मोटिव फॉर होल्डिंग कैश? तो जनरल थ्योरी में केन्स ने बताया था कि तीन मोटिव होते हैं जिसकी वजह से लोग कैश को होल्ड करते हैं। क्या क्या है? ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव। तो ये तीन रीजन होते हैं जिसकी वजह से लोग कैश को कैरी करते हैं, होल्ड करते हैं। सो ट्रांजेक्शन मोटिव में क्या होता है कि लोगों ने कैश इसलिए रखा है क्योंकि उनको कोई भी खर्चा करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने कैश रखा। प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब कोई भी इशू हो सकता है बाद में, अचानक से इमरजेंसीज आ जाती है, तो इसलिए लोग अपने पास कैश रखते हैं। स्पेकुलेटिव मोटिव मतलब कैश को अभी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब हम उसको बैंकों में रखेंगे, बाद में हमें ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है तब हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तीन पर्पस है जिसकी वजह से कैश लोग होल्ड करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट? कौन कौन से टाइप के डेफिसिट? एक होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कितना हुआ? एक्चुअली दो टाइप के आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है आपका रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों ही खर्चे हमारे, रेवेन्यू भी एक्सपेंडिचर है और कैपिटल भी एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये वो एक्सपेंडिचर है जिससे आपका कोई असेट क्रिएट होगा, कोई चीज़ जुड़ जाएगी इस खर्चे को करने के बाद, तो उसको हम कैपिटल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई मशीनरी खरीद ली, वो एक खर्चा हो गया। आपने कोई प्लांट सेटअप किया, एक बिल्डिंग खरीदी ताकि आप अपने ऑफिस का काम, अपना ऑफिस वहाँ पे ओपन करेंगे, तो ये सारा आपका रेवेन्यू, सॉरी ये सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा बड़े अमाउंट का होता है और ये बहुत फ्रिक्वेंसीज का बहुत कम है। जैसे आप बिल्डिंग बार बार नहीं खरीद सकते, बहुत मतलब कीमत इसकी बहुत ज़्यादा होगी, बार बार आप जो है कोई भी असेट नहीं जोड़ सकते। जैसे कोई मशीनरी आप खरीद रहे हैं 1 करोड़ 2 करोड़ की, तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ही नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, रिकरिंग मतलब जो चीज़ बार बार हो, नॉन रिकरिंग मतलब जो कभी कभार हो, तो वो होता है आपका कैपिटल। रिवेन्यू मतलब जो बहुत रिकरिंग हो, जो छोटे मोटे अमाउंट का, हर महीने आप सैलरी पे करते हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, ये सारे आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है। तो रिवेन्यू और कैपिटल में आपको डिफरेंस मालूम हो गया होगा, और ये रिकरिंग होते हैं मतलब बार बार होते हैं, छोटे छोटे अमाउंट के होते हैं,
उसको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल जिससे कोई असेट क्रिएट होती है। ठीक है, अब ये दो तीन टर्म्स पढ़ते हैं। रिवेन्यू डिफिसिट इज एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसीव। तो रिवेन्यू में आपके जो एक्सपेंडिचर हो रहे हो, आप समझ गए, छोटे मोटे जो खर्चे हो रहे हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिवेन्यू रिसीव। अभी रिवेन्यू रिसीव क्या, छोटे मोटे अमाउंट की आपको कहीं से पेमेंट मिल रही है तो आपका रिवेन्यू रिसीव होगा। जैसे मान लीजिए आपने अपना घर बेच दिया तो एक बड़ा अमाउंट आपको मिला, तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिवेन्यू। मतलब कैपिटल, जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू जो असेट बनाई जाती है उसको बेचा जाएगा, उसको बोला जाएगा कैपिटल रिवेन्यू। लेकिन छोटा, जैसे आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, छोटी मोटी आप डेली की सेल्स कर रहे हैं, तो उसके जो आपको कमाई होगी तो उसको बोला जाएगा रिवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब पैसा मिलना, एक्सपेंडिचर मतलब पैसे खर्च होना। तो रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होगा, छोटे मोटे मतलब जो आपकी बहुत ही फ्रिक्वेंट या बहुत ही रिपीट जो आपको पैसे मिल रहे हैं, जो आपकी रिसिप्ट हो रही है, जो आपकी कमाई हो रही है, तो उसको रिवेन्यू रिसिप्ट बोला जाएगा। और कैपिटल रिसिप्ट कभी कभार होगा, जैसे आपने प्लांट बेच दिया, मशीनरी बेच दी, तो अच्छा खासा बड़ा अमाउंट मिलेगा और बहुत फ्रिक्वेंसी नहीं होगा, कभी कभार। कभी आपने एक बार मकान बेच दिया, कोई मशीन बेच दी, तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट होगा। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ गए, छोटे मोटे अमाउंट के जो खर्चे होते हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू रिसिप्ट जो छोटे मोटे अमाउंट की जो कमाई होती है, जैसे आप अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो नॉर्मल जो आपकी कमाई हो रही है डेली बेसिस पे, वो आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट होगी। ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बड़े अमाउंट का जो एक बार में पैसा चला जाता है, मशीन खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ऐसे कैपिटल रिसिप्ट छोटे मोटे अमाउंट की जो हमें रिसिप्ट होगी, सॉरी छोटे नहीं बड़े अमाउंट की, क्योंकि जैसे आपने घर बेच दिया, प्लांट मशीनरी बेच दी, तब बड़ा अमाउंट मिलेगा तो उसको बोला जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। सो रिवेन्यू डिफिसिट क्या बताता है, इट इज़ द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू में जो आपका खर्चा हुआ, खर्चे ज़्यादा हो गए एज कम्पेयर टू आपकी रिवेन्यू के थ्रू जो रिसिप्ट यानी कमाई हुई है। तो खर्चे ज़्यादा हैं कमाई के कंपैरिजन में, तो हमारा रिवेन्यू रिवेन्यू डिफिसिट हो जाएगा। इफेक्टिव रिवेन्यू में क्या होगा, जो हमारा रिवेन्यू डिफिसिट है इसको लेना पड़ेगा माइनस ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन। तो कई बार आप कैपिटल असेट को क्रिएट कर रहे हैं, उससे जो आपको ग्रांट मिली तो उसको आपको माइनस करना होगा, तो वह मिलेगा इफेक्टिव रिवेन्यू डिफिसिट। ऐसे ही कहा था आपको फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट का सिंपल सा ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू, टोटल कितने खर्चे हुए और टोटल कितनी कमाई हुई, वो जो आपका रिवेन्यू उसमें से आपको बोरोइंग को एक्सक्लूड करना है। जो आपको कमाई हुई है वो आपने बोरोइंग आपने कमा के नहीं किया, तो उसको आपको बोरोइंग को कहीं से लोन लिया आपने उसको नहीं इंक्लूड करना, और फिर आपका एक्सपेंडिचर से अपने उस रेवेन्यू को माइनस कर देना, तो हमें मिलेगा फिस्कल डिफिसिट। ऐसे होता है हमारा प्राइमरी डिफिसिट, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डिफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो जब आप फिस्कल डिफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, चार तरह की हमारी डेफिसिट हो गई। रिवेन्यू डेफिसिट सिंपल से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से अपनी रिसिप्ट को माइनस करेंगे, यानी खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। तो डेफिसिट क्या बताता है, डेफिसिट हमेशा इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके खर्चे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कमाई। कहते ना कमाई 50 पैसा, खर्चे 1 रुपये, तो वही वाला आपका हिसाब है। रिवेन्यू डेफिसिट में आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं रिवेन्यू रिसिप्ट के कंपेरिजन में। इफेक्टिव में क्या करना है, जो रिवेन्यू डेफिसिट हुआ उसमें से जो हमें कैपिटल असेट बनाते टाइम पे जो हमें ग्रांट दी गई है, ग्रांट की गई है, तो उसको माइनस करना है। फिस्कल डेफिसिट सिंपल सा, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू को माइनस करना है, और जो आपकी टोटल रेवेन्यू उसमें से आपको बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करना। लास्ट आता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो ये सिंपल सा है, आपका फिस्कल डेफिसिट जो कि आपने यहाँ पे सॉल्व किया होगा उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देना, तो वो जाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। वट इज NCCD? सिंपल सा हमने नेशनल काउंसिल ऑन क्राइम एंड डेलिक्वेंसी। सो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट फिस्कल डेफिसिट। पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड के जो खर्चे हैं उसको कहाँ कहाँ डिवाइड किए गए, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, ड्यूरेबल मतलब जो लॉन्ग टाइम तक आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे TV, फ्रिज, इस तरह की चीज़ें आपने, और नॉन ड्यूरेबल मतलब शॉर्ट टर्म के आपके जो गुड्स हैं, जैसे आप अपने राशन का, ग्रॉसरी, सारा सामान ले रहे, नॉन ड्यूरेबल हो गया। सर्विसेज जो भी आप अलग अलग टाइप की सर्विसेज पे आप खर्चा करते हैं, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल का बिल, वो एक टाइप की सर्विसेज हो गया, आप किसी होटल में खाना खाने गए, कोई पिक्चर देखने गए, ये सारा आपका सर्विसेज के खर्चे लगे। ड्यूरेबल मतलब TV, फ्रिज, नॉन ड्यूरेबल, तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया, तो डी आपका आंसर इसमें हो जाएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो जब भी हम कोई चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं तो एक तो आपका लैंड, जमीन का खर्चा, लेबर का क्या खर्चा है, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के, तो ये चार खर्चे हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। मार्केट प्राइस का क्या क्या प्राइस है, इट इज़ अ इकोनॉमिक प्राइस फॉर विच अ गुड्स और सर्विसेज। तो मार्केट में किस रेट पे गुड्स और सर्विसेज बेची जा रही है, तो उसके इकोनॉमिक प्राइस को ही बोला जाता है मार्केट प्राइस, तो बी इसका आंसर इसमें हो जाएगा। FRBM एक्ट फुल फॉर्म क्या है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। कब से ये लॉ में था, तो 2003 में ये आपका FRBM एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था। बिजनेस साइकिल का दूसरा नाम है इकोनॉमिक साइकिल। बिजनेस साइकिल का आपने स्टेज देखा था ना, मैंने आपको स्टेजेस का याद दिलाया था, BORDOT। तो पहले आपका बूम स्टेज आता है, फिर R से आपका आता है रिसेशन, D से आता है आपका डिप्रेशन, और लास्ट के R से आपका आता है रिकवरी। ये इस तरह से चार स्टेजेस में जाता है, और इकोनॉमिक साइकिल का, बिजनेस साइकिल का दूसरा नाम होता है इकोनॉमिक साइकिल, तो B इसका आंसर आपका हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू जेएम केन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइस, तो बॉन्ड का प्राइस और इंटरेस्ट रेट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, ठीक है। बॉन्ड का प्राइस और इंटरेस्ट रेट ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा ए। ये जो केन्स की थ्योरी देखी थी वहां पे उन्होंने बोला था कि इंटरेस्ट को पूरा मॉनेटरी टर्म्स में आपको देखना है, ये हमने ऑलरेडी थ्योरी पढ़ी थी ना इसी वाले पार्ट में। तो इंटरेस्ट आपका मॉनेटरी फोर्स के हिसाब से इंपैक्ट करता है, जैसे बैंकों के पास कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी तो उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा। अगर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, कम लिक्विडिटी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। आईएएस कर्व कौन सी थ्योरी से आता है? ये आपका क्लासिकल जो थ्योरी है वहाँ से इन्होंने आईएएस कर्व को लिया हुआ है। एलएम कर्व का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस, एल से लिक्विडिटी प्रेफरेंस, एम से आपका हो गया मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम। एलएम कर्व इज डिराइव फ्रॉम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, हमने देखा था ना केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, तो वहाँ पे इन्होंने एल एम कर्व के बारे में बात की थी। अभी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है वो हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट इंपैक्ट होता है लिक्विडिटी से, जितना ज़्यादा लिक्विडिटी उतना कम इंटरेस्ट रेट लोन की अगर हम बात करें। नैरो मनी क्या होता है? एम वन को बोलते हैं नैरो मनी, एम थ्री को बोलते हैं ब्रॉड मनी। तो यहाँ पे एम वन का आपको फॉर्मूला दिया, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एम वन और उसको बोला जाता है नैरो मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बारे में कौन सी बात सही है? अ राइज इन प्राइस ऑफ लेवल ऑफ प्राइजेस, इन्फ्लेशन में चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। लेस टू फॉल इन परचेसिंग पावर, चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे तो परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। परचेसिंग पावर क्या होता है? लोगों की क्षमता कि वो चीज़ों को खरीद सकते हैं। आप किसी मार्केट में गए और आप चीज़ों को कितना खरीद पा रहे हैं तो वो आपकी परचेसिंग पावर को बताता है, यानी अगर चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। जैसे आप किसी सब्जी की दुकान में गए, मान लीजिए सब चीज़ें सस्ती है तो आप बहुत सारा परचेस करके आएंगे, लेकिन सब चीज़ बहुत महंगी है तो आप कम कम परचेस करेंगे। यानी जैसे जैसे चीज़ों का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे हमारी परचेसिंग पावर कम होती जाती है। तो वही लिखा है कि प्राइस का बढ़ना, परचेसिंग पावर का कम होना ही हमारा इन्फ्लेशन है, तो सी हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। 60, प्राइस इंडेक्स यूज इन इंडिया टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन फॉर पॉलिसी, तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन के लिए कैलकुलेशन किया जाता है तो कौन सा किया जाता है? सी, होलसेल प्राइस इंडेक्स। रियल में जो अगर देखा जाए तो करेक्ट पिक्चर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है, बट कैलकुलेशन के लिए, इन्फ्लेशन के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है तो उस टाइम पे होलसेल प्राइस इंडेक्स को कंसिडर किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बताता है? ये प्राइजेस को कंज्यूमर लेवल पे, यानी जो कंज्यूमर है रिटेल लेवल पे जो है डिटरमाइन करता है, कस्टमर के क्या रिटेल लेवल पे डिटरमाइन करता है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। डिमांड शेड्यूल क्या बताता है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। प्राइस और डिमांड मतलब कितना आपका प्राइस और कितनी आप क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो उसके बीच का रिलेशन कौन बताता है? आपका डिमांड शेड्यूल वो बताता है। चलिए इसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चंस भी हो गया, और इसके अगर आपको ये सारे पीडीएफ में आपको चाहिए और मतलब आपके जो इंडियन इकोनॉमी के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आपके चारों मॉड्यूल के ए बी सी डी चार ही मॉड्यूल आपके इकोनॉमी में, और उसके सारे के सारे आपको चारों चैप्टर्स के पीडीएफ जो कि अप्रोक्स 500 क्वेश्चंस के आसपास कवर करेंगे, 500 to 600, तो वो आपको टू हैंड्स ऐप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आपको ऐप में परचेस करने का जरूरत नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और टेलीग्राम जो चैनल है टू हैंड्स का वहाँ से भी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।